ध्यान दो बच्चों, मिसलेनियस के बचे हुए क्वेश्चन को आज करा देते हैं और अगले क्लास में हम लोग अगले चैप्टर में एक्सरसाइज 6 में एंट्री कर जाएंगे। तो आज एक छोटा सा क्लास है, कंप्लीट करते हैं डिफरेंशिएशन को और नेक्स्ट क्लास से हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आ जाएंगे। तो क्वेश्चन देखो बच्चों, देखो क्वेश्चन है कि x माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर दिया हुआ है। प्रूफ करना है कि 1 प्लस डीवाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर पावर में है 3/2 और यहां पे आगे बढ़ाएंगे बटा में। यह जो टर्म है, यह कांस्टेंट है, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एबी, एबी से इंडिपेंडेंट है। तो यहां पे ध्यान दो बच्चों, इस क्वेश्चन को इसे हम लोग को आगे बढ़ाना है। तो डिफरेंशिएटिंग, इसे अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए का स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई माइनस बी का स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ऑफ सी स्क्वायर। यहां पर डी बाई डी एक्स माइनस ए हो जाएगा एक्स माइनस ए का स्क्वायर डी एक्स माइनस ए डी एक्स प्लस डी वाई माइनस बी का स्क्वायर डी वाई माइनस बी बाई डी एक्स। कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। यहां पे नीचे क्यों लिखे है, क्योंकि जिस पर पावर है वो नीचे होना आवश्यक है। पावर साइड में, पावर में कम, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और ए का 0। यहां पे टू साइड में वाई माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स और b का 0, बराबर 0 हो गया बच्चों। इसको उठाकर उधर भेजो या डिवाइड में चला जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा माइनस टू एक्स माइनस ए बाई टू वाई माइनस बी। तो माइनस एक्स माइनस ए और वाई माइनस बी आ गया, क्लियर है बच्चों। अब यहां पे हमको डबल डिफरेंशिएशन भी करना है, तो डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर, तो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस बाहर रखो एक्स माइनस ए और वाई माइनस बी। तो नीचे वाला का स्क्वायर हो जाता है बच्चों, नीचे वाला इधर साइड में है और डी बाई डी एक्स एक्स माइनस ए, माइनस एक्स माइनस ए साइड में है और डी बाई डी एक्स वाई माइनस बी, क्लियर है बच्चों। यहां पे माइनस बाहर है y माइनस बी, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा और माइनस एक्स माइनस ए वाई का डीवाई बाई डी एक्स होगा y माइनस बी का स्क्वायर। अब डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो है वह अगर हम रख दें तो मेरा आ जाएगा माइनस, तो खैर बाहर है, y माइनस बी माइनस डीवाई बाई डी एक्स का वैल्यू है यह, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x माइनस ए y माइनस बी बटा एक्स माइनस ए, एक तो पहले एक्स माइनस ए पहले से है और डीवाई बाई डी एक्स का वैल्यू यह रखेंगे, यहां पे माइनस है, यह माइनस आके इस माइनस को प्लस कर देगा, एक्स माइनस ए बटा वाई माइनस बी और नीचे वाई माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मेरा डबल डिफरेंशिएशन का पार्ट आ जाएगा कि माइनस बाहर वाई माइनस बी का स्क्वायर एक्स माइनस ए का स्क्वायर और y माइनस बी का क्यूब। इसका वैल्यू x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर का वैल्यू c स्क्वायर होता है, तो माइनस c स्क्वायर y माइनस बी का क्यूब। नाउ 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर के पावर में 3/2 और नीचे है d स्क्वायर y dx स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे 1 प्लस डीवाई बाई डी एक्स का वैल्यू यह है, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स माइनस ए का स्क्वायर वाई माइनस बी का स्क्वायर पावर में आ गया बच्चों 3/2 और डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू आई है सी स्क्वायर वाई माइनस बी का क्यूब, क्लियर है बच्चों। यह वाई माइनस बी का स्क्वायर यहां चला जाएगा
तो y माइनस बी का स्क्वायर प्लस x माइनस ए का स्क्वायर y माइनस बी का स्क्वायर पावर में आ गया 3/2, यहां पे आ गया माइनस सी स्क्वायर y माइनस बी का क्यूब, यहां पे आ गया सी स्क्वायर y माइनस बी का स्क्वायर, टोटल पे पावर है 3/2 और माइनस सी स्क्वायर y माइनस बी का क्यूब, तो यहां पे आ गया सी का क्यूब y माइनस बी का क्यूब माइनस सी स्क्वायर और y माइनस बी का क्यूब, y माइनस बी का क्यूब y माइनस बी का क्यूब कट गया माइनस सी, यानी कि जो टर्म आया मेरा कांस्टेंट आ गया और साथ साथ ए और बी से इंडिपेंडेंट भी आ गया। तो जो देखो बच्चा देख के केवल डरेगा, अरे करना क्या है बाबू, डीवाई बाई डी एक्स डिमांड कर रहा है, दिया हुआ इक्वेशन है, एक बार डिफ्रेंसिएशन करके डीवाई बाई डी एक्स निकाल देंगे, डबल डिफ्रेंसिएशन डिमांड कर रहा है, फिर एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे ध्यान पूर्वक, उसमें डीवाई बाई डी एक्स आ गया तो डीवाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू लाए हैं रख दिए, सोल्व किए दिया वैल्यू पानी, फिर दिए हुए जो मेरा गिवन एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन में डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू और डबल डिफ्रेंसिएशन की वैल्यू पुट कर दिए, पुट करने के बाद मेरा यह एक माहौल बनकर आ गया। तो इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेकर बच्चों नोट कर लोगे, बोर्ड में पूछता है, बहुत बार में पूछा गया सवाल है बच्चों, तो थोड़ा ध्यान दोगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन को फ्रेश बनाने का आदत जरूर रखो, ऐसा मत सोचना अरे बंद हो जाएगा छोड़ देते हैं, यह सब मत करना, एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन ही कितने होते हैं, यह तो सब तुम्हें बनाना ही चाहिए बच्चों, सबका प्रैक्टिस तुम्हें होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन एन एक्स एन माइनस वन, यह फॉर्मूला है हम जानते हैं, लेकिन कर आप प्रूफ कीजिए मैथमेटिकल इंडक्शन से, अब मैथमेटिकल इंडक्शन जानते होगे तो इजीली बना दोगे, मैथमेटिकल इंडक्शन से कोई चीज को प्रूफ करने के लिए उस एक्सप्रेशन को हम पी एन मानते हैं, फिर लिखते हैं इफ एन बराबर वन तो एलएचएस मेरा हुआ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो वन आ गया, आर एच एक्स के जगह वन रख दिए, आर एच एस में या आर एच एस या एल एच एस था, एक्स एन के जगह वन रख दिए, आर एच एस आया वन वन माइनस वन एक्स के पावर जीरो वन, एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया। तो इसे लिखेंगे कि पी एन जो है सही है एन बराबर वन के लिए। थोड़ा समझो बच्चों, जो भी स्टेटमेंट दिया रहेगा ना उसे पी एन मान लेना है, जो भी स्टेटमेंट दिया रहेगा उसे पी एन मान लेना है, एन बराबर एक रख कर एल एच एस में वैल्यू देखना है तो वन आ गया और आर एच एस में वैल्यू देखना है तो वन आ गया, तो एल एच एस आर एच एस दोनों बराबर आ गया, इसलिए पी एन जो है सही हो गया एन बराबर एक के लिए। लेट पी एन बी ट्रू फॉर एन बराबर एम, तो जो स्टेटमेंट एन के लिए सही था उसी स्टेटमेंट को एम के लिए सही हम मान लिए इक्वेशन नंबर वन। फिर वी हैव टू शो दैट, देखो अगर मैथमेटिकल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ना पड़ेगा कि किसी भी स्टेटमेंट को पहले पी एन मानते हैं, एन बराबर वन रख के लिए सारे चीज बराबर दिखा देते हैं, वन के लिए सही दिखा देते हैं, फिर जहां एन है उसके लिए फिर एम रख देते हैं, जहां जहां एन है वहां वहां एम रह जाएगा। वी हैव टू शो दैट पी एम प्लस वन इज ट्रू, तो पी एम प्लस वन को हमें सही मानना है, तो पी एम प्लस वन, पी एम प्लस वन क्या हुआ बच्चों, डी बाई डी एक्स एक्स के पावर एम प्लस वन, एम प्लस वन एक्स के पावर एम, यह हो गया बच्चों। अब यहां से इसी बात को हमको साबित करना है, तो एल एच एस ले लेते हैं, एल एच एस है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एम प्लस वन, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एम इंटू एक्स, यहां दो चीज प्रोडक्ट में है, एक चीज बगल में एक का डिफ्रेंसिएशन, एक्स बगल में एक्स के पावर एम का डिफ्रेंसिएशन, एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो गया बच्चों वन
और x के पावर m का डिफरेंशिएशन m x के पावर m माइनस वन, कहां से जाने यह तो फॉर्मूला से नहीं यहां से, यही फॉर्मूला तो एक्चुअली प्रूव करना है, तो फ्रॉम इक्वेशन वन। लैंग्वेज पे ध्यान दिया जाता है मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चन में, बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं इसके, x के पावर m ठीक है प्लस m x के पावर वन प्लस m माइनस वन, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, यहां x के पावर m कॉमन लेंगे तो वन प्लस m आ गया, यानी m प्लस वन x के पावर m, यही है मेरा आर एच एस, इसलिए पी एम प्लस वन मेरा सही हुआ, hence स्टेटमेंट जो होगा मेरा सही होगा, स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसे बाबू नोट कर लोगे, यह बहुत ही स्पेशल सवाल है बच्चों, कि पहले पी एन मान लेना, एन बराबर एक के लिए सही दिखा देना, फिर एम के लिए सही मान लेना और एम प्लस वन के लिए सही दिखा देना है, और यह सही है तो स्टेटमेंट सही है, मैथमेटिकल इंडक्शन से मेरा जो जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है वह प्रूफ हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि यह सभी मिसलेनियस के सवाल हैं और हम उम्मीद करते हैं तुम लोग सभी मिसलेनियस को बना लिए होंगे, तो ध्यान दो बच्चों, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला दे दिया है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ए और बी को वेरिएबल ट्रीट करो, ए और बी वेरिएबल एंगल है, और बोल रहा है कि साइन का सम फॉर्मूला है, एंगल में सम है, तो कॉस का सम फॉर्मूला पाना है इस फॉर्मूला से, तो साइन से कॉस कैसे आएगा, डिफरेंशिएशन की हेल्प से, तो दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन बाबू कॉस आ जाएगा, तो कॉस का फॉर्मूला हमें मिल जाएगा, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू ए के साथ कर रहे हैं, ए के साथ या बी के साथ या एक्स के साथ किसी के साथ कर सकते हो, साइन ए प्लस बी, ध्यान समझना बच्चों, डी बाई डी ए साइन ए कॉस बी, डी बाई डी ए कॉस ए साइन बी, ध्यान समझना बच्चों, यहां डिफरेंशिएशन तभी होगा जब नीचे यहां ए प्लस बी लिखेंगे, डी ए प्लस बी बाई डी ए, यहां दो चीजें प्रोडक्ट में है तो कॉस बी डी बाई डी ए साइन ए प्लस साइन ए डी बाई डी ए कॉस बी, प्रोडक्ट रूल लगा दिए, प्लस यहां पे दो चीजें प्रोडक्ट में है, साइन बी डी बाई डी ए कॉस ए प्लस कॉस ए डी बाई डी ए साइन बी, ठीक है बच्चों, साइन का हो गया बच्चों कॉस ए प्लस बी वन प्लस डीबी बाई डी ए, डीबी बाई डी ए साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस ए का वन और बी का डीबी बाई डी ए, कॉस बी इंटू कॉस ए प्लस, देखो साइन ए कॉस बी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन बी होगा, माइनस लगा दे फिर बी का भी तो होगा डीबी बाई डी ए, क्योंकि यहां डिफरेंशिएशन करने के लिए बी डीबी नीचे लिखना पड़ेगा तो डीबी बाई डी ए लिखना पड़ेगा, तब कॉस बी का माइनस साइन बी होगा, समझ रहे हो तुम लोग, प्लस साइन बी माइनस साइन ए, तो यहां माइनस आ जाएगा, प्लस कॉस ए साइन बी का कॉस बी डीबी बाई डी ए, तो कॉस ए प्लस बी वन प्लस डीबी बाई डी ए, यहां कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसको बच्चों एक साथ लिख दिए, प्लस डीबी बाई डी ए कॉमन लेंगे तो लिखेंगे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है बच्चों, कॉस ए प्लस बी वन प्लस डीबी बाई डी ए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी
यहां कॉमन उठाए तो वन बच्चा और यहां डी बी बाई डी ए, इसको काटो आ गया फॉर्मूला, क्या मिला तो कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, प्रूफ हो गया बाबू, ऑब्टेन कर लिए हम लोग फॉर्मूला। क्वेश्चन था कि साइन का सम फॉर्मूला दिया था एंगल में और उससे हम लोग कॉस के सम फॉर्मूला को ला रहे थे बाई माने डिफरेंशिएशन के मदद से। इसे स्क्रीनशॉट लेकर बाबू नोट कर लोगे। और इसके बाद आगे एक सवाल दिया है कि फंक्शन लिखिए, एक फंक्शन लिखिए जो कंटिन्यूअस सभी जगह हो लेकिन दो जगह डिफरेंशिएबल ना हो। एक ऐसा फंक्शन लिखना है जो कंटिन्यूअस सभी जगह हो और डिफरेंशिएबल दो जगह ना हो। तो ऐसा क्वेश्चन अगर मिला तो एफ एक्स बराबर एक्स माइनस वन का मोड है एक्स माइनस टू का मोड, इट इज मोड है तो कंटिन्यूअस तो हमेशा होगा, कंटिन्यूअस एवरीवेयर या सभी जगह कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल, जिक्र कर चुके हैं बच्चों डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर वन एंड एक्स बराबर टू, या दो जगह डिफरेंशिएबल नहीं होगा और तीन जगह मांगता है तो एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री का मोड भी लिख देते हैं। तो उम्मीद करते हैं बच्चों एक डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है जिसको सोल्व कर सकते हो, तुम्हें 23 नंबर भी सवाल बना सकते हो और उसके अलावा बाकी कोई सवाल में दम नहीं है, हम लोग मिसलेनियस को समाप्त कर लिए। तो हम लोग आने अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6 स्टार्ट करेंगे। तो तुम देखे होगे कि डिफरेंशिएशन के बहुत सारे क्लास गए, सभी क्लासों को अगर ध्यान पूर्वक पढ़ोगे तो डिफरेंशिएशन का कंप्लीट नॉलेज तुम्हें हो जाएगा और धीरे धीरे तुम्हारे पास और आइडियाज भी आएंगे। लेकिन पहले पहला फेज डिफरेंशिएशन में जो चीजें हम तुम लोग को बताए, जो लिमिट के कर फेज बताए, जो कंटिन्यूटी लिखना सिखाए, वही तुम्हें पहले सीखना है। और आगे हम तुम लोग को अगले क्लासेज में एक्सरसाइज 6 के बाद इंटीग्रेशन लाएंगे, तो इंटीग्रेशन भी कंप्लीट पैकेज ऑफ लाएंगे। देखो डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट क्वेश्चन बड़े कंपटीशन में नहीं पूछता है, इसका केवल यूज होता है। छोटे कंपटीशन में जो डिफरेंशिएशन पूछे जाते हैं वह डायरेक्ट तुम बना सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं होता है। लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं अभी तक के सेक्शन में। मिलते हैं अगले क्लास में एक्सरसाइज 6 के साथ, तब तक के लिए मेहनत करते रहो, अभी तक के सभी क्लास को जरूर से जरूर कंप्लीट करो बच्चों क्योंकि बहुत जरूरी है।